आप सभी दोस्तों का पीआरडी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो नाउन के बेस पे है। हम लोग इसके पहले नाउन पढ़ चुके हैं, तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्वेश्चन है कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसमें है गोयल हैज अ ब्लू पेन। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि उसमें से नाउन्स को पिक आउट कीजिए और बताइए कि कौन सा नाउन प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब उसमें से हमको कैटेगरी कैटेगराइज करना है नाउन्स का। तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी के नेम को अगर हम रख देते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है। पार्टिकुलर नेम को ही प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन मतलब वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है। कलेक्टिव मतलब ग्रुप को कहते हैं। मटेरियल मतलब जितने भी खाने पीने ओढ़ने की चीजें होती हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि गोयल हैज अ ब्लू पेन। तो देखिए यहाँ पे गोयल नाउन है। गोयल क्या है? नाउन है। और किस टाइप का नाउन है? तो एक नाउन है प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक मैन या लड़के का नेम हो सकता है, बॉय का नेम है, ठीक। इसलिए क्या होगा, ये तो नाउन है और ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। फिर से पेन, पेन क्या है? पेन एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब ये हो गई क्वालिटी उसकी। तो ब्लू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है। ब्लू क्या है? एडजेक्टिव। और आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट और इनडेफिनिट। यहाँ पे जो इन है ए है, ये क्या है? आर्टिकल है। और किस है? और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल का यूज केवल नाउन के पहले ही होता है। तो यहाँ पे पेन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और ब्लू पेन हम कहेंगे तब ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा है कि चिल्ड्रेन ड्रिंक वाटर, चिल्ड्रेन ड्रिंक वाटर। तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और किस टाइप का नाउन है? तो किसी का नाम चिल्ड्रेन नहीं होता, तो क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। और ड्रिंक है वर्ब। क्या है? वर्ब है। और जो यहाँ पे हैज था तो हैज हेल्पिंग वर्ब है। क्या हैज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। आइए देखते हैं अगला। तो अगला है कि सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। तो देखिए यहाँ पे सिंपैथी है, सहानुभूति है। तो यहाँ पे ये है कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पे गोल्ड क्या है? गोल्ड है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पे है द गंगेस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगेस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे गंगेस क्या है? नेम है। क्या है? नेम है। तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आर्टिकल ड लगा है। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ड का यूज नहीं होता है, लेकिन ये क्या है? रिवर का नेम है। क्या है? रिवर का नेम है। इसलिए इसके पहले क्या होगा? आर्टिकल ड लगा है। और ड क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ड क्या है? आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। रिवर, रिवर क्या है? नाउन हो गया, रिवर नाउन हो गया। और रिवर में ही गंगेस है। इन, इन क्या है? प्रीपोजिशन। और इंडिया एक कंट्री का नाम, अपने प्यारे देश का मतलब भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। तो इंडिया एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगला है कि द जूस हैज नो स्वीटनेस, द जूस हैज नो स्वीटनेस। तो द क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल है। हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अगर आपको आर्टिकल नहीं आती है तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। द डेफिनेट आर्टिकल है जूस। अब जूस यहाँ पे क्या है? जूस यहाँ पे मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। अब ये देखिए द क्यों यूज हुआ, कि जूस तो बहुत होंगे लेकिन एक ऐसा जूस है जिसकी स्वीटनेस नहीं है, मतलब ये मीठापन इसमें नहीं है।
तो ये स्वीटनेस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन स्वीटनेस है. ठीक. हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. हैज हेल्पिंग वर्ब है. और नो क्या है? निगेटिव वर्ड है. अब यहाँ पे अगला है कि मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक. तो मंडे क्या है? मंडे एक डे का नेम है, तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है. फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा. और यहाँ पे देखिए डे डे क्या है? नाउन है. डे क्या है? नाउन है. और किस टाइप का नाउन है? कॉमन नाउन है. कौन टाइप है? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी डे का नाम बताया नहीं गया. डे का नाम मंडे है, तो प्रॉपर नाउन होगा. ऑफ ऑफ फिट पोजिशन है. द क्या है? आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है. और वीक वीक क्या है? एक कॉमन नाउन है. क्या है? कॉमन नाउन है. लेकिन फर्स्ट वीक जब कहेंगे तो स्पेशल नाउन हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन यहाँ केवल वीक कहेंगे तो कॉमन नाउन है. अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है कि द रिंग इज मेड ऑफ स्लाइम. सिल्वर है. द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर. द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर है. तो द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है. हम लोग देख चुके हैं रिंग मटेरियल नाउन हो जाएगा, यानी मटेरियल नाउन ही रही रहेगा, क्योंकि रिंग अब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि एक रिंग हो गया, ये मटेरियल सिल्वर से बना है, तो सिल्वर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मटेरियल हो जाएगा, मटेरियल नाउन है. और लेकिन रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सिल्वर से बना है. मेड हो गया वर्ब, हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म है. मेक इसका फर्स्ट फॉर्म होता है. और ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. अगला है कि गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी. तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है. गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है. सिल्वर भी मटेरियल नाउन है. और मनी क्या है? मटेरियल नाउन है. और एंड क्या है? कंजंक्शन है. कंजंक्शन है. कैन नॉट, कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और नॉट एक निगेटिव वर्ड है. बाई मतलब खरीदना होता है, यानी कि ये वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब है. और अनेस्टी हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से हम सोना चांदी और धन हम नहीं खरीद सकते, मतलब रुपया नहीं खरीद सकते. अगला है कि गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. तो गांधी जी एक पर्सन का नेम है. गांधी जी महान व्यक्ति थे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन है. गांधी जी प्रॉपर नाउन हो गया. वाज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया. ग्रेट ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है. लीडर लीडर क्या है? कॉमन नाउन है. क्या है? कॉमन नाउन है. और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन. लेकिन इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक कंट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा. कंट्री क्या होगा? कॉमन नाउन होगा. अगला है कि माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ टीम. कैप्टन ऑफ द टीम. तो माई माई क्या है? प्रोनाउन है. माई क्या है? प्रोनाउन है. माई प्रोनाउन है. ब्रदर क्या है? कॉमन नाउन है. ब्रदर क्या है? कॉमन नाउन है. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. द क्या है? आर्टिकल है. कैप्टन क्या है? ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी कैप्टन का नाम नहीं बताया जा रहा है. ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है. द क्या है? आर्टिकल है. और टीम क्या है? टीम एक कोलेक्टिव नाउन है. टीम क्या है? कोलेक्टिव नाउन है. तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. धन्यवाद दोस्तों.